हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब फ्रेंड? आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे पांच पावरफुल टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप कम समय में इग्नू एमएस साइकोलॉजी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। फ्रेंड, असाइनमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जितने पेपर की एग्जाम देनी है ना, उतने असाइनमेंट आपको डाउनलोड करने हैं। फ्रेंड, अभी आप जून 2022 की एग्जाम दे रहे हो तो आपको असाइनमेंट कौन सा डाउनलोड करना है? जुलाई 21 और जनवरी 2022 सेशन का आपको असाइनमेंट डाउनलोड करना है। उसके बाद असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चन है ना फ्रेंड, उतने सारे असाइनमेंट आपको पढ़ना है। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिए, क्योंकि एग्जाम में ना 15 से 20 मार्क का क्वेश्चन असाइनमेंट से ही आता है। मतलब 50 आउट ऑफ 20 मार्क, मतलब 40% आपको असाइनमेंट से मिल जाएंगे अगर आप असाइनमेंट अच्छे से पढ़ते हो। हर एक असाइनमेंट से 15 से 20 आगे पीछे हो सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको असाइनमेंट अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फ्रेंड, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं। जैसे आपको पता होगा, इग्नो में एक साल में दो बार एग्जाम होती है, जून में और दिसंबर सेशन में। तो आपको क्या करना है, 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं। 3 साल के मतलब 6 क्वेश्चन पेपर। जैसे आप जून 2019 से दिसंबर 2021 तक जितने पेपर हुए उतने आप पढ़ सकते हो। और पढ़ते वक्त भी आपको क्या करना है, पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना है, कौन कौन से पेपर, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट बनानी है जो दो बार रिपीट हुए, तीन बार रिपीट हुए या फिर उससे ज्यादा रिपीट हुए। ऐसे सारे क्वेश्चन की एक लिस्ट बनानी है नोटबुक में। और लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसके एक हैंड रिटन नोट्स बनानी है। हैंड रिटन नोट्स बनाते वक्त आपको इग्नो की स्टडी मटेरियल पढ़ना है, यूट्यूब के वीडियो देखनी है, और तभी फ्रेंड जो आप क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, जो यूट्यूब ने अभी अभी आपने जो पढ़ा वही आपको नोटबुक पे लिखना है। नोटबुक पे लिखते वक्त कैसे करना है, आपको अपने लोकल लैंग्वेज में लिखना है, आपके मदर टंग लैंग्वेज में लिखना है। जैसे कि आप, जैसे फ्रेंड अगर आपने अभी डिफाइन क्रिएटिविटी इसके ऊपर पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा या फिर इग्नो से पढ़ा, तो आपने जो आपको जो समझ आया वो आपको हिंदी में लिख कर रखिए कि क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी किसने डिस्क्राइब किया है, उसके अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट आपको समझ आया ना वो हिंदी में लिख के रखिए। 4 से 5 लाइन तक लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, और तभी के तभी लिखना है, नहीं तो आप सोचेंगे मैं बाद में लिख लूंगा तो आपकी लिंक टूट जाएंगे ना। इसलिए आपको जो फ्रेश नॉलेज मिला है वो आपको लिख कर रखना है, ठीक है फ्रेंड। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि हमें हिंदी में अच्छे से समझ आता है, जो भी हमने पढ़ा है, जो हमारी मदर टंग रहती है ना उसमें से हम जो भी पढ़ते हैं ना वो हमें हमेशा के लिए याद रहता है। अगर आप ऐसा करते हो ना तब आपको रिविजन करने में बहुत ईजी जाएगा, नहीं तो अगर आप नहीं लिखोगे तो कैसा रहता है ना, इग्नो में बहुत सारे ब्लॉक रहते हैं, तो कौन सा आंसर कौन से ब्लॉक पे वो ढूंढने में बहुत टाइम चल जाता है। पहले ही आपके पास टाइम कम है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने नोट्स बनाए हिंदी में तो आप हिंदी में पढ़ लोगे, और पढ़ा हुआ हिंदी में इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है वो तो बहुत ईजी है ना। एक बार समझ लेते हैं हम पढ़ने के बाद तो आपको अच्छे से लिख सकते हो फ्रेंड। बस एक गलती नहीं करनी है कि आपको रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप रटने लगोगे ना तो एक एक क्वेश्चन को 20-30 मिनट लग जाएंगे, तो वो आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा, फिर रटने से इतने सारा सिलेबस कवर नहीं होगा और आप रटा हुआ आप भूल भी जाओगे। इसलिए फ्रेंड टाइम भी मैनेज करना है आपको, और समझ के लिखना है तो आप अच्छे से लिख पाओगे एग्जाम में। और फ्रेंड सपोज एग्जाम में ऐसा एखादा क्वेश्चन आया जो आपको नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है ना, ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपको उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखना है। सपोज एखादा क्वेश्चन आया जो 6 मार्क का है, आप उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख रहे हो ना, आपको 3 या 4 मार्क इजीली मिल जाएंगे फ्रेंड। अगर आप नहीं लिखोगे तो 0 मिल जाएगा, लेकिन लिखोगे ना कुछ तो मार्क मिल जाएंगे ना, इसलिए कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ना, उसके रिलेटेड ही लिखना फ्रेंड। जैसे एग्जाम में ना वर्ड लिमिट दी हुई रहती है, जैसे 10 मार्क का क्वेश्चन है उसके लिए 450 वर्ड बताया है, उसके बाद 250 वर्ड्स और उसके बाद 100 वर्ड, तो वर्ड्स मतलब कितने पेजेस में लिखना है, तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएंगी, आप उसे एक बार देख लेना, आपको हेल्पफुल हो जाएगा। बस फ्रेंड इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।